ग्वालियर में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें, ग्वालियर में एक रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री के टेक्नीशियन ने एक महिला को 4 साल से शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद महिला ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। महिला की शिकायत पर टेक्नीशियन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद उसे न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। राजेंद्र कुशवाहा नाम का यह कर्मचारी रेलवे में सिधौली स्प्रिंग फैक्ट्री में टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है। कल एक महिला ने अपने साथ राजेंद्र कुशवाहा के द्वारा 2014 से लगातार शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट की थी, जिस पर इसके विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर आज इसको अरेस्ट कर लिया गया। 2014 से महिला ने बताया था कि इसके साथ उसको शादी का झांसा देकर लगातार इसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। जबलपुर में मुख्यमंत्री